my first ever marker set and see the colors beautiful shades um, this is a gift from a friend um, this is the uh, sketchbook that I ordered from Daraz um, I think it's a cold press uh, one um, if you feel the paper it's uh, you know like very smooth and it's not green um, and now since that I've got it I thought why not give it a try so here I am trying to draw a very basic leaf and once you start using markers, you realize they're nothing like watercolor. Watercolor, ki look, feel, you know, everything is very different. And I am somehow addicted to watercolor. I'm um, very relaxing to use watercolor. For me, it's a form of, uh, you know, uh, keeping myself uh, calm and composed. It helps me align myself, my thoughts. Um, फिलहाल तो मैं कुछ भी अलाइन नहीं कर पा रही इस डिज़ाइन के साथ क्योंकि ऑनेस्टली um, मैंने कभी मार्कर्स के साथ काम नहीं किया दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड आई एम ट्राइंग टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट एटलीस्ट अच्छा तो लगे थोड़ा बहुत uh, बहुत ज़्यादा नहीं ऑबियसलीस सम एक्सेप्शनल आर्टिस्ट आउट देर हु मार्कर्स आई ऑन दी अदर हैंड आई एम वेरी वेरी न्यू टू इट सो आई हैो आइडिया एंड दैट्स वाई कि आपको शेडिंग नज़र आ रही होगी द काइंड ऑफ वेरिएशन यूर गेटिंग ओफ वो यो बट यू नो दो हार्म इन ड्राॅइंग ट्राई तो करते रहना चाहिए एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और डर के रुकना नहीं चाहिए mm -hmm. बहुत इम्पोर्टेंट है इंसान के लिए कि वो रुके नहीं सीखता रहे कोशिश करता रहे तो जनाब मैंने एक और कलर एड कर दिया है क्योंकि मुझे कुछ अधूरा अधूरा सा महसूस हो रहा था इस डिज़ाइन में आज अ वेरी बेसिक लीव इट इज नथिंग वेरी क्रिटिकल इन इट बट इफ यू सी दी क्वालिटी ऑफ द मार्कर्स ना दे आर एक्चुअली जेलिंग इन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आइसोलेशन में खड़े हों और मैंने बहुत अच्छे से हैंडल नहीं किया अदरवाइज़ आई थिंक काफ़ी अच्छे से ये काम हो सकता है आई प्रामिस दैट यू नो आई विल प्रैक्टिस एन एल सी हाउ वेल आई कैन डू इट बिकॉज अगर कोई चीज़ मुझे ज़िंदगी में कन्फर्म है तो वो ये कि इंसान हर चीज़ सीख सकता है जिसकी वो कोशिश करता है तो मैं बिल्कुल हंड्रेड परसेंट कोशिश करूँगी इसको सीखने की टू गिव इट सम डेप्थ मैंने सोचा कि वाई नॉट गिव इट अ ब्लू बैकग्राउंड ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर ब्लू इज़ ऑल्सो अ वेरी प्रोडक्टिव कलर पीपल हु लाइक टू हैव You know, productive surroundings do tend to have blue walls. At least one blue wall in the room. I don't have a blue wall in my room because um, I have a peach wall in my room. Uh, simply because it goes with the theme. But uh, I thought that this blue is um, Shading, of course, is not uh, what I expected. But it is what it is. And I really hope you like it.